देखेगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी बीपीएससी 134, ठीक है, बीएजी पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर में जो रहेगी, आज का जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आपका चैप्टर नंबर 3 है इससे आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, जो कि खास तौर से आज हम इस क्लास में 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन 20 नंबर का आ सकता है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताइए, और ये आपका 20 नंबर में पूछा जा सकता है, कितने मार्क्स में, 20 मार्क्स में आ सकता है। और दूसरा जो हमारा इसमें क्वेश्चन रहेगा, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या है, ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है, खास तौर से चैप्टर नंबर 3 में से आपको मिलेगा, बीपीएससी 134। देखिएगा, अगर बात करूं, जैसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वार हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं, और जैसे मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि अगर हम लोग किसी भी क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को लिखने का पैटर्न आपको पता नहीं, यानी तरीका कैसे लिखना। देखो, एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या थे बताइए, 20 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रथम विश्व युद्ध, तो यहाँ देखिएगा क्या है, अभी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ सारा आपको भूमिका में लिखना है और फिर आपको डायग्राम बना के लिखना पड़ेगा। देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया पर युद्ध की घोषणा के साथ शुरू हुआ था। कहने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, जो प्रथम विश्व युद्ध है, वह 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ। कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई है। ऑस्ट्रिया हंगरी 2 देशों का नाम है, ऑस्ट्रिया अलग देश है, हंगरी अलग देश है। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध करने की घोषणा के साथ शुरू हुआ था। एक तरफ मित्र और संबंध शक्तियों और दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ गया। कहने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो मित्र देशों और धुरी राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया है। देखो भाई मेरे, जो प्रथम विश्व युद्ध था या जिसको हम लोग यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार कह रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार में 2 ग्रुप हैं, कितने, 2 देशों के ग्रुप हैं, ठीक है। अगर बात करूं, जो सबसे पहला जो ग्रुप है जिसको हम लोग बोलेंगे, जिसको बोला जाता मित्र राष्ट्र, ठीक है, उसको बोला जाता, उसमें जैसे फ्रांस, ब्रिटिश साम्राज्य यानी इंग्लैंड और जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, रूस, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि 3 साल के बाद शामिल। देखो एक बात बताऊं, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, जो प्रथम विश्व युद्ध है, उसमें 2 देशों के ग्रुप हैं। एक देश के ग्रुप का क्या नाम है, मित्र राष्ट्र, और दूसरे देशों के ग्रुप का नाम क्या है भैया, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश हैं? मित्र राष्ट्रों में अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है, इटली है। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है इटली, वो मित्र राष्ट्रों से लड़ा है, लेकिन जब हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ेंगे तो उसमें जो इटली है वो मित्र राष्ट्रों से निकल करके धुरी राष्ट्रों में चला जाएगा। ये मित्र राष्ट्र हैं, और धुरी राष्ट्र कौन कौन से हैं अगर हम लोग बात करें तो, उसमें खास तो जिसको हम धुरी राष्ट्र या केंद्रीय शक्तियां कहते हैं, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य शामिल हैं। किसमें? धुरी राष्ट्र जिसको हम बोलते हैं उसमें कौन कौन से देश शामिल, जिनको हम केंद्रीय शक्ति बोलते हैं उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और ओटोमन साम्राज्य के बीच में लड़ा गया। यानी क्या है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसमें 2 ग्रुप हैं। अगर आप लोग ऐसे टेबल बना सकते हो, जैसे हम मैंने इधर लिखा टेबल ना, इधर मैंने लिखा भाई मेरे मित्र राष्ट्र और इधर मैंने लिखा धुरी राष्ट्र या केंद्रीय शक्तियां, धुरी राष्ट्र उसको बोला जाता है। इधर मैंने क्या लिखा, मित्र राष्ट्र यानी पूर्ववर्ती राज्य शामिल देश थे, और इधर केंद्रीय शक्तियां। मित्र राष्ट्रों में भैया लिखो अमेरिका, ठीक है, रसिया यानी रूस, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली, ये किसमें है, मित्र राष्ट्र जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ववर्ती देश में शामिल है। और धुरी राष्ट्र जिसको हम केंद्रीय शक्ति बोलते हैं, धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा था, धुरी राष्ट्र में सबसे इंपॉर्टेंट देश है जर्मनी। एक बात बताऊं, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार की जो जड़ है ना,
उसका कारण ही जर्मनी है। और मूलतः जो लड़ाई है वो जर्मनी फ्रांस की है, और जर्मनी फ्रांस के कारण पूरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो केंद्रीय शक्ति, जिनको हम धुरी राष्ट्र बोलते हैं, उसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट देश है क्या है, जर्मनी, जर्मनी है। दूसरा कौन सा देश भैया, दूसरा उसमें अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रिया हंगरी, क्या है, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य इसमें शामिल है। ठीक है, इतने देश मिलकर के प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहे हैं। अब हम लोग ये आप किसको इस किस में लिख सकते हैं, आप इसको भूमिका में लिख सकते हैं, अभी हमने जो बात की। अब हम लोग बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण हैं भाई मेरे, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया एग्जाम में कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है। तो हम लोग देखेंगे जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसका कारण क्या है। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध का पहला कारण कह सकते हो कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को धमकी दी थी कि हम उस पर क्या कर देंगे, युद्ध कर देंगे, इसलिए कह सकते प्रथम विश्व युद्ध। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के कारण में सबसे पहला भाई राष्ट्रवाद, क्या पहला पॉइंट क्या लिखोगे, प्रथम विश्व युद्ध जो है यानी फर्स्ट वर्ल्ड जो शुरू, उसका कारण क्या है, राष्ट्रवाद। देखिएगा, सन 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में राष्ट्रवाद एक बड़ा महत्वपूर्ण कारक था। इससे एकता के साथ साथ विभाजन भी हुआ। उदाहरण के लिए जर्मनी और इतालवी पुनर्एकीकरण से राष्ट्रीय आकांक्षा के परिणाम थे ओटोमन साम्राज्य का विघटन, और बालकन और अन्य पूर्वी देशों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग में राष्ट्रवाद का। देखो एक बताऊं भाई मेरे, जब 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, उस फ्रांस की क्रांति ने जर्मनी के एकीकरण में बड़ी भूमिका निभाई। क्या है कि जर्मनी का जब एकीकरण हुआ और जर्मनी एक, और दूसरा क्या है अगर आप देखेंगे, ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, यानी अगर हम बात करें पूरा जो यूरोप है, यूरोप में राष्ट्रवाद की विचारधारा है, और इस राष्ट्रवाद की विचारधारा ने कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया। क्या बोला मैंने कि भाई जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, उस राष्ट्रवाद की विचारधारा ने यूरोप में कह सकते हो कि एक प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दिया राष्ट्रवाद ने। दूसरी ओर राष्ट्रवाद ने संघर्षों और तनाव के बीज बोए। ब्रिटेन ने श्वेत व्यक्ति की बोझ के सिद्धांत का प्रचार किया, जर्मनी ने आयतन जाति के वर्चस्व को बरकरार रखा। इस तरह के विचारों ने समाज में अन्य और अहम को भी, एक बात बता दूं, जर्मनी में जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे, जर्मनी जो है वहां पर जिस प्रकार से अगर आप देखें यहूदियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा था, और ब्रिटेन में श्वेतों के साथ, अश्वेत जो हैं यानी जो काले लोग हैं उनके साथ जो चीजें चल रही थी, ये सारी चीजें भी कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या है, कारण बना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दूसरा कारण क्या है, आर्थिक साम्राज्यवाद। क्या है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दूसरा कारण, क्या दूसरी हेडिंग हमारी क्या बनेगी भाई मेरे, आर्थिक साम्राज्यवाद। देखिएगा, एक और महत्वपूर्ण कारक था जिसने प्रथम विश्व युद्ध में योगदान दिया, वह है आर्थिक साम्राज्यवाद। औद्योगिक क्रांति के आगमन ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की आधार को तैयार कर दिया। आप सबको पता होगा कि पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, यानी भैया बड़े बड़े उद्योग धंधे लग गए थे। क्या कि अगर आप लोग देखेंगे कि जब औद्योगिक क्रांति होती है तो पूरे यूरोप में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर क्या लग गए हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे लग गए हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जर्मनी है, जर्मनी में भी, इटली में भी, फ्रांस में भी, हर जगह पर उद्योग धंधे लग गए पूरे यूरोप में। अच्छा एक बात बताओ कि जब बहुत सारा भाई उद्योग धंधे लग जाएंगे तो हम लोग उसको जाकर के बेचेंगे कहीं, कहीं ना कहीं तो उसको जाकर के आपको बेचना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में उद्योग धंधे बहुत सारे लग गए हैं, तो भाई हमारे देश में जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को जाकर के कहीं तो बेचना ही पड़ेगा ना, बिना बेचे तो काम चलेगा नहीं। तो क्या हुआ कि जो खास तौर से जब औद्योगिक क्रांति हुई तो यूरोपीय देशों ने निकल निकल करके क्या बनाए, अपने उपनिवेश बनाए। जैसे भारत किसका उपनिवेश बना भाई, आप सबको पता होगा ना, भारत किसका गुलाम रहा, ब्रिटेन का। तो अगर आप देखेंगे जर्मनी हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, इन सारे देशों ने क्या किया, अपने उपनिवेश बना लिए। और भाई सभी ने अपने अपने उपनिवेश तैयार किए, सबने बनाया। तो क्या करते थे जो यूरोप के राष्ट्र थे ना, एक दूसरे के उपनिवेशों को छीना करते थे। ठीक है, बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति माल तैयार करके तथा सस्ता माल खरीदने के लिए
नई कॉलोनी पर कब्जा करना चाहती। नई कॉलोनी मतलब समझते हैं कि एक बताओ, जैसे मैं एग्जांपल देखो, जैसे मान लो भाई मेरे कि ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा करके उस पर एक प्रकार से क्या किया भाई, ब्रिटेन अपना आकर के जो इंग्लैंड में जो सामान उमान बनता था भारत में आकर के बिकता था, तो क्या हुआ, जैसे मान लो फ्रांस हो या जर्मनी हो, तो एक देश चाहते थे कि अगर किसी ने अपना एक कॉलोनी बना लिया, एक उपनिवेश बना लिया, तो हम उसका उपनिवेश छीन लें। तो यहाँ पर क्या है कि यूरोप के ज्यादातर देश जो थे, सभी देशों में भाई औद्योगिक क्रांति हो गई है, हर जगह पर इंडस्ट्री लग गई है, हर जगह पर यानी प्रोडक्ट बन रहे हैं, सामान वामान बहुत ज्यादा बन रहा है। इससे क्या हुआ कि एक देश दूसरे जो इन लोगों ने जो अपने उपनिवेश बना रखे थे उसको छीनना शुरू किया। आपको पता है आर्थिक साम्राज्यवाद का मतलब क्या है कि इन्होंने आर्थिक आधार पर अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाने का काम किया ना। एक बात बताइए कि जब हमारे देश में बहुत सारा प्रोडक्ट बनेगा, सामान बनेगा, तो उसको बेचने के लिए अभी तो हमें चाहिए किसी न किसी देश में जाकर के उसको बेचना भी तो पड़ेगा, तो बेचने के लिए हमें नए नए देश खोजने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। तो हम लोग जो नए नए देश ढूंढेंगे, भैया देश तो लिमिटेड है ना, ऐसा थोड़ी कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, अनलिमिटेड कंट्रियां हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो जर्मनी ने किसी देश को अपना उपनिवेश बना लिया, गुलाम बना लिया, वहां जाके सामान उमान बेच रहा है, लेकिन मान लो भैया फ्रांस को भी चाहिए नए नए उपनिवेश, तो ये लोग एक दूसरे के उपनिवेश जो थे इनको छीनने में लग गए थे। इसलिए कह सकते कि आर्थिक साम्राज्यवाद बढ़ा, और प्रथम विश्व युद्ध का यह भी एक बड़ा कारण है कि ये लोग यानी एक दूसरे के उपनिवेशों को छीनने लग गए थे, एक दूसरे के उपनिवेशों को कब्जाने लग गए थे। इसलिए भी कह सकते कि प्रथम विश्व युद्ध की क्या हुई, शुरुआत हुई, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध का जो दूसरा कारण है गुप्त संधियां। गुप्त मतलब समझते, तो भैया किसी को पता नहीं है कि दो देशों के बीच में ट्रीटी हो गई है। एक बात बताओ सुनो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो भैया उसमें सिर्फ दो देश दुश्मन हैं, जैसे मान लो कि एक कंट्री एक है, कंट्री एक हमने लिया ऑस्ट्रिया हंगरी, और एक तरफ है कह सकते हो कि दूसरा कि भाई कौन था जिसे हम लोगों ने आपको चर्चा किया था, ऑस्ट्रिया हंगरी है, दूसरा सर्बिया। देखो मान लो कि जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी ने भैया धमकी दे दी सर्बिया को, क्या ऑस्ट्रिया हंगरी ने धमकी दे दी सर्बिया को, तुम्हारे ऊपर बम फोड़ देंगे यानी आक्रमण कर देंगे, युद्ध की धमकी दे दी। तो सर्बिया ने अगर किसी के साथ संधि कर रखी, भैया अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आएगी तो तुम हमारी मदद करना, ठीक है, तो सर्बिया के सपोर्ट में कोई देश आ गया, और उधर ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी किसी से दोस्ती कर रखी है कि तुम मेरी मदद करना, तो उसके सपोर्ट में कोई आ गया, तो यानी कि एक देश दूसरे देशों से इन लोगों ने क्या कर रखा था, ट्रीटी कर रखी, गुप्त संधियां, किसी को पता नहीं है। जैसे मान लो एग्जाम्पल देकर बताऊं, जैसे मान लीजिए कि हमारा देश है भाई भारत, ठीक है, और हम लोगों ने पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया, और पाकिस्तान ने भैया किसी देश से, मान लो कि पाकिस्तान ने चीन से संधि कर रखी कि पाकिस्तान पर अगर कोई खतरा आएगा तो आप हमारी आकर के मदद करेंगे, और भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया तो पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए चीन आ गया, और भाई भारत ने किसी से ट्रीटी कर रखी है, किसी देश से हम लोगों ने ट्रीटी कर रखी, इंडिया ने, तो हमारी तरफ से कोई लड़ने आ गया, और चीन जैसे अमेरिका जैसे मैंने पाकिस्तान की तरफ से चीन आ गया, और चीन ने किसी और से कर रखी है तो उसके लिए आ गया। इसी प्रकार से इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देश जो है वो लगातार जुड़ते चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दो आदमी का झगड़ा है, यानी दो देशों की लड़ाई में बाकी सब लोग एक दूसरे के ट्रीटी हो रखी संधि, और किसी को पता नहीं था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो किसी को पता नहीं था कि सर्बिया ने किससे किससे संधि कर रखी है, फ्रांस ने किसके साथ ट्रीटी कर रखी है, ये सारी गुप्त संधियां हुई थी और किसी को कानों कान खबर नहीं थी, और एक ने एक को धमकी दिया तो उसके बचाने उनको उनके चक्कर में कोई और आ गया, इनके साथ कोई और आ गया। इस तरीके से कह सकते कि इसमें कई सारे देशों ने भाग ले लिया, समझ रहे, यानी गुप्त संधियां हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ उसका एक बहुत बड़ा कारण गुप्त संधियां थी। देखो गुप्त संधियां का बनना एक कारण था, फ्रांसिस्को प्रेसियन युद्ध के बाद जर्मनी ने फ्रांस को कमजोर करने की कोशिश की। 20 साल तक बिस्मारक जर्मनी का निर्विवादित नेता रहा, यूरोपीय राजनीति में हावी रहा। बर्लिन कांग्रेस के बाद रूस की अगर हम लोग बात करें, इसके खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच एक गुप्त संधि संपन्न हुई। अगर आप देखेंगे क्या क्या हुआ,
देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच गुप्त संधि संपन्न हुई, किसकी? जर्मनी की। जर्मनी की भैया संधि किससे है? ऑस्ट्रिया हंगरी की। जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस के बीच तीन शासकों का संघर्ष चल रहा था। बाद में जर्मनी ने रूस के साथ पुनर्संरक्षण संधि के दोहरे गठबंधन जोड़ने में प्रवेश किया। इटली भी कुछ समय के बाद शामिल हुआ। इन त्रि संधि यानी ट्रिंगल यानी तीन अलायंस का गठबंधन फ्रांस को अलग थलग करने के लिए किया गया। बिस्मारक के पतन के बाद कई विरोधी गठबंधन आए। फ्रांस रूस समझौते ने त्रिजोड़ गठबंधन को चुनौती दी और 1904 में फ्रांस और ब्रिटिश के बीच विवादों को हल किया गया और उन्होंने एक यानी प्रकार से संधि की। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि यहाँ पर एक देश ने दूसरे देश से संधि करके, भैया किसने? ऑस्ट्रिया हंगरी ने। ऑस्ट्रिया हंगरी की संधि किसके साथ है? जर्मनी के साथ है। और उधर अगर आप देखेंगे तो जो फ्रांस है, फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ संधि कर रखी है। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इसमें कई सारे देशों ने एक दूसरे से ट्रीटी कर रखी थी। और जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो किसी को पता नहीं था कौन सी कंट्री ने किसके साथ अलायंस कर रखा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने का, गुप्त संधियां यहां पर हो चुकी है ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देकर के बताया ना कि भाई भारत ने, भाई बालो भारत पाकिस्तान में युद्ध हो गया तो भाई हम लोगों ने अमेरिका से संधि कर रखी तो हमारी तरफ से अमेरिका लड़ने आ गया, और अमेरिका ने किसी और से संधि कर रखी तो वो भी लड़ने आ गया, उसने किसी और से संधि कर ली तो वो भी लड़ने आ गया। यानी भारत इधर से इधर ने लड़ रहे हैं, और भाई पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो गया तो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान ने चीन के साथ संधि कर रखी है कि वो चीन लड़ने आ गया, चीन के साथ किसी और की संधि वो लड़ने आ गया। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे इसमें जो देश थे वो इकट्ठा होते चले गए, और ये पूरा जो यानी दो देशों यानी दो लोगों की लड़ाई में भैया पूरा शहर, पूरा गांव और पूरी दुनिया लड़ने लगी। कहने का मतलब ये है, आप समझ रहे हैं, यानी यहाँ पर गुप्त संधियां थी, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण था कि ये वर्ल्ड वार हुआ पहला। अगला दूसरा कारण हथियारों की दौड़, ये बहुत बड़ा कारण है कि अगर हम लोग बात करें कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ उसका बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पर सभी देश हथियार बड़ी संख्या में बना रहे थे, क्योंकि सबको लगता था कि एक दूसरे से हमको खतरा है। जैसे अगर बात करूं तो हर एक देश को ये लग रहा है कि दूसरे देश से उसको खतरा है, इसके लिए वो बड़ी संख्या में वो लोग हथियार बनाते चले गए। यानी क्या है? हथियारों की दौड़। जैसे मैं एग्जांपल देकर के बताऊं कि भारत जो है, अगर आप देखेंगे भाई हमारी पाकिस्तान के साथ क्या है, दुश्मनी है, तो भाई भारत ने हथियार बना रखे हैं पाकिस्तान, ठीक है। और जैसे हम लोग बात करें कि अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के, भारत के साथ दुश्मनी, तो पाकिस्तान ने भाई हथियार बना ले। यानी सभी देशों ने, खास तौर से यूरोप के जो कंट्रियां हैं वो हथियार बहुत बना रही थी अगर आप देखेंगे। और इन हथियारों की दौड़ ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को शुरू करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। एक बात बताओ, अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाएगी, अगर तुम्हारे पास हथियार रहेगा तुम तुरंत हथियार ला करके निकाल करके दाग दोगे, आप समझ रहे हो, कोई व्यक्ति हो ना। यानी एक अन्य कारण हथियारों की दौड़ है, ये बहुत बड़ा कारण था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, नेपोलियन की सेना की ताकत, उसके कारनामों से पूरा यूरोप हिल गया था। भैया नेपोलियन एक ऐसा आदमी था जिसने पूरे यूरोप को हिला रखा है, ठीक है, अन्य राष्ट्रों को भी उसने हराने के लिए अपनी सेना का गठन करना था, ठीक है। नेपोलियन के पराजित होने के बाद नई शक्तियां उभरी, वह भी हथियार दौड़ में शामिल हो गई। जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी ने अधिक सैन्य शक्तियों को प्राप्त करना शुरू कर दिया। जापान की सैन्य ताकत न केवल चीन और कोरिया बल्कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय बनी। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में श्रेष्ठता साबित स्थापित करने के लिए युद्ध का प्रमुख कारक बना। यानी कि हर एक देश इतने ज्यादा हथियार बना रहा है, इतने ज्यादा गोला बारूद रख रहा है, कि यह भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। यानी क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया है, कि हथियारों की एक दौड़ को भी हम यहाँ पर क्या है, कारण के रूप में, रीजन के रूप में करें भैया, कि हथियारों की दौड़ थी इस वजह से। यानी एक देश दूसरे देश के लाग डाट में, जैसे उसके पास, जैसे मान लो कि उनके यहाँ पर दो बंदूक है, हमारे यहाँ पर 10 हो गई, उन्हें 40 खरीदी, हमने 150 खरीदी, उन्हें 500 खरीदी, हमने 1000 खरीद ली। यानी हथियारों की जो दौड़ है, यह भी कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का क्या है, रीजन, यह भी एक बहुत का कारण है। अगला क्या है, हथियारों की दौड़ के बाद इंग्लो
जर्मन नौसेना प्रतिनिधि, यानी जो इंग्लैंड है और जो जर्मनी है, इन दोनों देशों की जो नौसेना है, ठीक है, नेवी जो है, उसमें एक प्रकार की प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन है। यह भी एक बहुत, यानी इंग्लैंड और जर्मनी की जो एयरफोर्स है उसके बीच में जो कंपटीशन है, प्रतिद्वंदिता, इसको बोला जाता है कंपटीशन, प्रभुत्वशाली हो गई। ब्रिटेन एकमात्र महाशक्ति था जो 19वीं सदी के अंत तक सागर यानी समुद्र का राजा था, यानी ब्रिटेन का कह सकते एक प्रकार से नेवी, यानी ब्रिटेन की जो भैया नेवी थी वो बहुत बढ़िया नेवी थी, बहुत अच्छी नेवी थी, यानी उसका कह सकते समुद्र में वर्चस्व रहा। युवा शासक कैसर विलियम द्वितीय के अधीन जर्मनी ने अपनी नौसेना को मजबूत करने के बाद ब्रिटेन ने अपना एकांत छोड़ दिया और समुद्र में बढ़ते जर्मनी का मुकाबला करने के लिए कूद पड़े। यानी कह सकते हो कि जर्मनी और इंग्लैंड में, यानी ब्रिटेन के लिए, उसको इंग्लैंड में, यानी ब्रिटेन में जो नौसेना है उसमें प्रतिद्वंदिता बहुत है। भैया भाई ब्रिटेन का क्या है, कह सकते नौसेना बड़ी मजबूत है, समुद्र में उसका दबदबा था। और जब युवा शासक कैसर विलियम जर्मनी का शासक बना, तो कैसर विलियम कौन है, जर्मनी का शासक है, उसने अपनी नौसेना को मजबूत किया। इससे क्या हुआ कि जर्मनी और ब्रिटेन में, कह सकते कि खास तौर से नेवी में और समुद्र में, यानी उनमें कंपटीशन बढ़ा। यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना जो जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। अगला कारण क्या है, किसी प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संगठन की अनुपति, यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ उस समय पूरी दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं था जो दुनिया में शांति, जैसे आप सबने सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं या संयुक्त राष्ट्र महासभा कहा जाता है, यूएन, यूनाइटेड नेशन जिसको हम बोलते हैं, आज जो है उससे पहले भी चीज संगठन थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा था तो उस समय कोई ऐसा संगठन नहीं था, ऐसा कोई ग्रुप नहीं था जो दुनिया में शांति और सद्भावना को स्थापित कर सके कि भाई लड़ो मत, शांति बनाए रखो, ऐसा कोई ग्रुप नहीं था। यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय अगर हम लोग बात करें 1914 में, ऐसा कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं था दुनिया के सामने जो, यानी इन देशों को लड़ने से रोक सके और दुनिया में शांति की स्थापना कर सके, यानी कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं था। यह भी एक बहुत बड़ा कारण कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, वो तो कह सकते हो संगठन सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय तो बन गया है, ठीक है, लीग ऑफ नेशन, लेकिन लीग ऑफ नेशन ने सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के रीजन क्या है, तो उसमें एक आएगा, जब देखो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना तो उसके बाद एक लीग ऑफ नेशन बना है, लीग ऑफ नेशन ने सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाया। लेकिन कहने का मतलब है कि भाई मेरे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ उस समय कोई ऐसा ग्रुप नहीं था या ऐसा कोई संगठन नहीं था जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने से उसको रोक सके या उस पर लगाम लगा सके, ऐसा कोई संगठन नहीं था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की का कारण था। यद्यपि अगर हम लोग बात करें कंसर्ट ऑफ यूरोप नामक एक यूरोपीय शक्ति का एक अनौपचारिक समूह अस्तित्व में आया, लेकिन वह बढ़ते संघर्ष को समाप्त नहीं कर पाया, शाही प्रतिद्वंदिता और हथियारों की दौड़ को रोक नहीं सका। यह एक औपचारिक संगठन नहीं था बल्कि इसमें वैश्विक देशों का प्रतिनिधित्व नहीं था। दोनों हेग सम्मेलन में विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे पर चर्चा हुई और मध्यस्थता की संस्था को भी शामिल किया गया, लेकिन विवादों को शांतिपूर्ण समाधान नहीं। कहने का मतलब है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ऐसा कोई संगठन या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी ग्रुप नहीं है, कोई समूह नहीं था जो दुनिया में शांति ला सके। अगला कारण क्या है, प्रथम युद्ध शुरू होने के क्या है, प्रेस की नकारात्मक भूमिका, यानी जो मीडिया है, एक देश की मीडिया दूसरे देश के खिलाफ जहर उगल रही है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी की जो मीडिया है वो सर्बिया के खिलाफ दुनिया भर का अनर्गल लिख रही है, आप समझ रहे हैं, यानी मीडिया की एक बड़ी भूमिका थी कि जो प्रेस है या जो मीडिया है वो नेगेटिव बहुत थी। जैसे भारत पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे, ये भारत पाकिस्तान में दोस्ती अगर होने भी लग जाए ना, एक तो नेता और दूसरा मीडिया, ये कभी होने नहीं देंगे, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। एक बात बताओ, हम लोगों को जो दुनिया भर का दिखाई देता हो कहाँ दिखाई देता, मीडिया ही तो बताती है फलाने में ऐसा है यहाँ सब हो रहा ना। तो ये मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि
कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि एक देश की मीडिया दूसरे देश के खिलाफ अनाप शनाप बक रही है, यानी एक प्रकार से नेगेटिव कैंपेन चला रहे थे लोग मीडिया में, यानी प्रेस जो था पूरी तरीके से नेगेटिव विचारधारा पर चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए प्रेस की नकारात्मक भूमिका एक बहुत बड़ा कारण है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। कई युद्ध के 40 साल पहले कई सरकारों ने देशों के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए ईमानदार प्रयास किए, लेकिन प्रेस ने जनता के बीच मनोवैज्ञानिक युद्ध बना करके खेल को खराब किया। यानी क्या है, जो मीडिया थी उसने युद्धों को बढ़ावा देने का काम किया, उसने बताया कि ये देश के खिलाफ, यानी मीडिया में जो बातें आती थी एक देश की मीडिया, जैसे भाई पाकिस्तान की मीडिया भारत खिलाफ दुनिया भर की बयानबाजी करे तो भारत में एक गुस्सा बनेगा ना, तो उसी प्रकार से कह सकते हो कि जर्मनी में, सॉरी यूरोप कह लीजिए, यूरोप में यूरोप के जो देश हैं एक देश की मीडिया दूसरे देश की मीडिया के खिलाफ जब अनर्गल यानी अनाप शनाप बक रही थी, कुछ भी कह रही थी, यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। यानी एक देश की मीडिया दूसरे देश के खिलाफ नकारात्मक यानी नेगेटिव कैंपेन चलाया, यानी ये एक प्रकार से इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर जनता के बीच में माहौल बनाया कि युद्ध होना जरूरी है, युद्ध नहीं हुआ फलाना हो जाएगा, इस प्रकार से चीजों को बनाया गया जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, यानी मीडिया की नकारात्मक भूमिका ने माहौल तैयार किया जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। दूसरा क्या है, नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, भैया नेता की बड़ी महत्वाकांक्षा रही है, कई सारे नेता ऐसे थे जो चाहते थे युद्ध हो, वार हो, लड़ाई हो, तो नेताओं की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। अब देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के लिए नेताओं की पर्सनल यानी उनकी ख्वाहिश थी, क्या थी, देखिए जर्मनी के केसर विलियम द्वितीय नौसेना के वर्चस्व का निर्माण करना चाहता था, यानी जर्मनी का केसर विलियम चाहता था कि जर्मनी की जो नेवी है जिसको हम लोग नौसेना बोलते हैं, नौसेना बोलो हिंदी में नौसेना, अरे वैसे इसको बोलते हैं, ठीक है, तो नौसेना जो है जर्मनी की जो नौसेना है उसका निर्माण करना चाहता था, किसी भी समझौते के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। रूसी सम्राट जार यानी रूस का जो सम्राट है जार शाही, उसकी पत्नी अति महत्वाकांक्षी थे और सर्बिया को ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ उस्काने में सहायक थी, यानी एक प्रकार से अगर हम बात करें कि जो रूस के जो शासक है उसकी जो वाइफ है जार शाही थी, आप सबने, आप जब रूस की क्रांति या रूसी क्रांति जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप सुनेंगे कि जार शाही थी, जार का शासन है, जार के शासन के खिलाफ रूस में क्रांति हुई, तो जार जो है रूस का जो सम्राट है जार है उसकी जो वाइफ है वो बहुत बहुत महत्वाकांक्षी है, ठीक है, उसने सर्बिया को ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ भड़काया है, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है या कारण कह सकते हैं जिससे भाई मेरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में यह भी क्या है एक बड़ा कारण था या एक बड़ा रीजन है, ठीक है, जिससे कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये यानी इसको आप क्या करना है, बाकायदा आपको टेबल बना के लिखना पड़ेगा, एक एक जो जितने मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसमें आपको, क्योंकि एग्जाम में 20 नंबर का पूछेगा और 20 नंबर के लिए आपको पॉइंट बना करके। अगला देखिए क्या है पॉइंट भाई, ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच प्रतिद्वंदिता क्या है। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने में भाई मेरे जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दो देश हैं, कहीं ऑस्ट्रिया की जगह पर ऑस्ट्रेलिया ने कोई लिख दे, ऑस्ट्रेलिया नहीं भैया ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया और सर्बिया, ठीक है, यानी ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में जो दुश्मनी है इसने कह सकते कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, यह भी थी ऑस्ट्रिया और सर्बिया की प्रतिद्वंदिता ने अंतरराष्ट्रीय स्थिति को खराब कर दिया, यानी इंटरनेशनल जो सिचुएशन थी खराब रही ऑस्ट्रिया और सर्बिया के कारण, ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपने साम्राज्य का विस्तार कह सकते विस्तार जो है वह स्लेव क्षेत्रों को जोड़कर और समुद्र तट तक पहुंचकर करना चाहते थे। दूसरी ओर सर्बिया ने राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व किया, दक्षिणी स्लेवों को संघ का काम किया, रूसी जार शासक और उसकी पत्नी के हस्तक्षेप ने इन दोनों देशों के बीच तनाव को अधिक बढ़ा दिया। अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया और जो सर्बिया है ये दोनों देश अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहती है, यानी अपनी सीमा को बढ़ाना चाहते हैं, और जिस कारण से ऑस्ट्रिया
और सर्बिया में दुश्मनी बढ़ी। और ऑस्ट्रिया सर्बिया में दुश्मनी बढ़ाने का सबसे बड़ा काम क्या, जो रूस के शासक है जार है, उसकी वाइफ जो है यानी उसकी जो पत्नी है, उसने इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। किसमें? ऑस्ट्रिया और सर्बिया में। किसमें भैया? ऑस्ट्रिया और सर्बिया में दुश्मनी बढ़ाने का काम किसने किया? उस जार शासक की पत्नी ने। ठीक है, यह भी कारण बना। और प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने का जो लास्ट कारण, जो बिल्कुल जिसको हम ये अंतिम कारण, तात्कालिक कारण जो था उसको हम बोलते हैं ना, जैसे आप सबने 1857 की क्रांति पढ़ोगे तो उसमें तुम सबने पढ़ा होगा ना भैया कि चर्बी वाला कारतूस था जिस कारण से 1857 की क्रांति शुरू हुई। इसका एक तात्कालिक कारण यानी तुरंत के कारण है, लेकिन बहुत सारे कारण हम पढ़ते हैं हम लोग ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना इंडिया में, पढ़ते हो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हो ना भैया, जो 1857 की क्रांति होने के क्या कारण है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं तात्कालिक कारण क्या है कि बोलते हैं भी कि चर्बी वाला कारतूस था। ठीक है, ये बताते हैं, लेकिन और भी कारण बताते ना, तो उसी प्रकार से एक तात्कालिक यानी ऑस्ट्रिया के आर्क, ठीक है, फ्रांस फ्रेंडजी और उसकी पत्नी क्या था, ऑस्ट्रिया का एक शासक है उसकी हत्या हो गई है और उसकी पत्नी की 28 जून 1914 को तांबू में अंतिम कील ठोकी। आरोप सर्बिया के चरमपंथियों पर है, यानी क्या है, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार है उसकी और उसकी पत्नी की हत्या हो जाती है, जिसका आरोप सर्बिया के लोगों पर लगता है, सर्बिया के चरमपंथियों पर लगा। ऑस्ट्रिया ने 24 घंटे का समय दिया और मांग की सभी विरोधी ऑस्ट्रियाई विरोधी मित प्रचार करना बंद करें, हत्या में शामिल सर्बियाई अधिकारियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने और आतंकवादी संगठन को भंग करने और ऑस्ट्रिया अधिकारी को षड्यंत्रकारी की जांच में हिस्सा लेने के लिए। इसमें सर्बिया से अधिकांश शर्तों पर सहमत हो गया, लेकिन रूस ने सर्बिया को सहायता का वादा किया, जिसके बाद उसका रवैया बदल गया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध करने की घोषणा की और जल्द ही सभी देश उसमें शामिल हो गए। कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार था और उसकी वाइफ थी, क्या था, ध्यान सुना, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार है आर्क, ठीक है, इसका नाम है आर्क, ठीक है, इसकी और इसकी वाइफ की हत्या हो गई। आरोप किस पर लगा? सर्बिया के चरमपंथियों पर। तो सर्बिया को ऑस्ट्रिया ने धमकी दी भैया 48 घंटे के अंदर में इनके जो जिसने हत्या की उनको भैया पकड़ो और इसकी जांच करो, और ऑस्ट्रिया के अधिकारी जाएंगे जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन सर्बिया जो था इस पर सहमत हो गया, लेकिन बीच में रूस ने जाके सर्बिया को सहायता का वादा दिया और बाद में भैया सर्बिया का रवैया बदल गया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों में मित्रता थी, एक प्रकार से कहते कि दोस्ती है, ठीक है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ कहते इसमें सभी देश शामिल शुरू होते चले जाते हैं। और इससे क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आगाज हो गया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होने का सबसे बड़ा कारण था, जो अंतिम कारण क्या है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हो गई, उसकी वाइफ की हत्या हो गई, और इस पर आरोप लगा भैया सर्बिया के चरमपंथियों ने कर दिया, और जिस कारण से ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की और सर्बिया के तरफ से रूस लड़ने आ गया, ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से कह सकते हो कि फ्रांस लड़ने आ गया, इस तरफ से एक देश दूसरे देश की तरफ से लड़ने आ गए हैं, और पूरा जो कह सकते हैं भैया ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो शुरू हो गया। ये सारे कारण है प्रथम विश्व युद्ध क्या है शुरू होने के। अब देखिएगा, युद्ध शुरू होने के बाद जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को नरम रुख के लिए राजी किया। जब युद्ध शुरू हुआ तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को नरम रुख करने के लिए राजी किया। रूस ने 30 जुलाई 1914 को अपनी सेनाएं जुटाई और सर्बिया की सहायता के लिए, यानी किसने किसकी सहायता के लिए, जो रूस है वो किसकी सहायता करने आ भैया, किसकी, सर्बिया की सहायता करने आ। जर्मनी ने रूस को वापसी के लिए कहा। जब रूस बाध्य नहीं हुआ तो जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को सर्बिया और रूस पर हमला कर दिया। यानी क्या है, किसने, जर्मनी बोला रूस को कि तुम आओ मत यहां पर, लेकिन रूस आ गया तो जर्मनी ने सर्बिया और रूस पर हमला करने का यानी आगाज कर दिया, यानी एक प्रकार ऐलान कर दिया 1 अगस्त 1914 को। फ्रांस भी रूस के सहयोगी था, क्या था, फ्रांस जो था वो रूस का सहयोगी था।
जर्मनी ने 3 अगस्त को फ्रांस पर हमला किया और बेल्जियम की सीमाओं से फ्रांस में प्रवेश करके हमला किया। ब्रिटेन ने भी युद्ध में प्रवेश किया क्योंकि वह बेल्जियम की तटस्थता की रक्षा करना चाहता था। बुल्गारिया और तुर्की जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी की ओर से शामिल हुए, उन्होंने केंद्रीय शक्ति के नाम से जाना जाता है। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, सर्बिया कई देश मित्र राष्ट्र के रूप में, कौन कौन, जैसे भैया फ्रांस है, ठीक है, रूस है, ब्रिटेन है, सर्बिया है, ये सारे देश जो थे वह एक प्रकार से मित्र देशों के तरफ से लड़ रहे थे, समझ रहे हैं। और इसमें कुछ जो देश थे वो धुरी राष्ट्रों की तरफ से क्या है, इसमें उन्होंने लड़ाई में भाग लिया। नवंबर 1918 को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और केंद्रीय शक्तियों को पराजित करके, केंद्रीय शक्ति मतलब धुरी शक्तियां, धुरी राष्ट्र किया गया, और उन पर शांति संधि लागू की गई। यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कब शुरू हुआ था, मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जो थी वह 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध करने की घोषणा की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और एग्जाम में इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या है आपको लिख करके आना पड़ेगा। लिखने का अगर आप लोग एक बेहतर तरीका रखेंगे तो आपसे उसको समझ में आएगा कि पेपर में इसको आपको कैसे लिख करके आना, ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी मिल सके। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक क्या है, देखिए भाई, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ, नवंबर 1918 में, ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध को जीता किसने, प्रथम विश्व युद्ध को भैया जीता मित्र राष्ट्रों ने, किसने जीता है जी, मित्र राष्ट्रों ने। मित्र राष्ट्र कौन कौन है, जैसे अमेरिका जीता है, फ्रांस जीता है, ठीक है, ये सब लोग जीत गए, रूस जीता है, ये सब जीते हुए लोग हैं, ये मित्र राष्ट्र हैं। और हारा कौन है, धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र में खास तौर से जर्मनी। और एक बात बताऊं कि जब मित्र राष्ट्र जीत गए धुरी राष्ट्र हार गए, तो भैया ये मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को बुलाया, किस लिए बुलाया, शांति संधि करो, यानी क्या है एक प्रकार से इन्होंने इनको बुलाया कि समझौता करने के लिए, कैसा समझौता। अरे एक बात बताओ यार, जब जो जीता है और हारा हुआ को बुलाएगा तो हारे हुए का क्या अपमान तो करेगा, कोई सम्मान तो सत्कार तो करेगा नहीं ना। अब एक बात मानते हो, जैसे मान लो भाई मेरे कि अमेरिका जीता है, फ्रांस जीता है, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये सब जीते हुए लोग हैं, क्योंकि ये सब मित्र राष्ट्र हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत चुके हैं, ठीक है, तो इन्होंने एक संधि होती है जिसको शांति संधि, या जिसको हम लोग वर्साय की संधि के नाम से जानते हैं, क्या, वर्साय की संधि के नाम से जाना जाता है। 1919 और 1920 के दौरान मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच कई शांति संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण थी वर्साय की संधि, जो मित्र राष्ट्रों और पराजित हुए धुरी राष्ट्रों या केंद्रीय शक्तियों पर हुई। 10 सितंबर 1919 को ऑस्ट्रिया के साथ सेट जर्मनी की संधि हुई, 27 नवंबर 1919 को बुल्गारिया के साथ जर्मनी के बीच हुई, 4 जून 1920 को ऑस्ट्रिया के साथ संधि हुई, यानी यहां पर संधि हुई। और इसमें एक है वर्साय की संधि, वर्साय की संधि को जर्मनी के साथ ट्रीटी हुई मित्र राष्ट्रों की, और जर्मनी ही क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में कह सकते हो कि संधि जो हुई भैया, इसको बोला जाता अपमानजनक संधि, क्योंकि इस पर क्या हुआ, जर्मनी पर कई प्रकार की पाबंदी लगा दी गई। एक बात बताओ, जो आदमी जीता है और जो आदमी हारा है, हारे हुए आदमी पर पाबंदी नहीं लगा देगा कि तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुम ये नहीं, यहाँ नहीं जाओगे, तुम वहां नहीं जाओगे ना, तो एक प्रकार से कह सकते हो इसी को बोला जाता भैया अपमानजनक संधि। अरे बताते, जिस होटल में संधि हुई थी, जिस होटल में बुलाया गया था, इन लोगों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया, किसके साथ, जर्मनी के लोगों के साथ। अरे भैया हारे हुए आदमी के साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार तो करेगा नहीं ना। एक बात, हारे हुए और जीते हुए लोगों में संधि हो रही है, तो हारे हुए लोगों का कोई सम्मान थोड़ी करेगा, अपमान तो करेगा ना, सिंपल सी बात है, अपमान होगा। तो एक जर्मनी का इतना अपमान यहाँ होगा और जर्मनी पर इतने ज्यादा एलिगेशन लगा दिया, यानी क्या, प्रतिबंध लगा दिया गया जर्मनी, यह जर्मनी पर लगाई गई सबसे अपमानजनक संधि, जिसको हम लोग वर्साय की संधि बोला जाता है, जर्मनी प्रतिनिधियों से भी परामर्श नहीं किया गया, यानी भैया जर्मनी के जो लोग संधि करने आए थे उनसे कुछ पूछा ऊंचा नहीं गया, साली साइन कर दो तुम जाओ निकलो। उन्हें पेरिस निमंत्रण किया गया, लेकिन दूर के होटलों में कैंटीन
तारों और पुलिस कर्मियों से घेर रखा था रे भैया कि इसको पेरिस में बुलाया गया। पेरिस में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच में संधि हो रही है, कहां हो रही है, पेरिस में। और पेरिस के होटलों में ये जो ये जर्मनी के जो प्रतिनिधि मंडल आया था, जो जर्मनी के लोग से संधि बंधी करने जो हारे हुए लोग हैं, उनके साथ होटल में बड़ा बुरा व्यवहार किया गया। उनको भैया एक प्रकार से कैदी की तरह लाया गया, घेरे हो रहे लोग थे। उन्हें केवल तभी बुलाया गया जब मसौदा तैयार यानी ड्राफ्ट पर हैंडओवर के लिए तैयार किया गया। दूसरी बार उन्हें इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया। जर्मनी प्रतिनिधि मंडल मुख्य मेज यानी टेबल पर बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपराधी की तरह सशस्त्र गार्ड द्वारा ले जाया जाता था, यानी जर्मनी के लोगों को जो बुलाया जाता था, खड़े रहते थे, संधि करने आए थे। जर्मनी के जो प्रतिनिधि मंडल था जो संधि करने आया है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद भैया मित्र राष्ट्र जो है इनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, इतनी इनकी ज्यादा इंसल्ट हो रही है कि इनको खड़ा भी होने नहीं दे रहा, यानी बैठने नहीं दे रहे, खड़े खड़े हैं। और इनको बाकायदा सैनिक लेकर के आते थे और सुरक्षा कर्मी लेकर के आते थे, गार्ड वार्ड लेकर के आते थे। संधि के प्रावधान बड़े कठोर हैं। अरे भैया मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों पर यानी जर्मनी पर जो संधि की है उसमें बड़े कठोर नियम थे। जर्मनी से सभी प्रकार के व्यवहार रूप से खो दिया। उसके अधिकांश पड़ोसी देशों में वितरित गए, यानी जर्मनी के ज्यादातर भागों को इन लोगों ने आपस में बांट लिया। तभी तुमने पढ़ा होगा कि जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो जर्मनी का एकीकरण हो गया, यानी जर्मनी में होने दीवार खींच, बर्लिन में दीवार खींचवा देंगे लोग, क्या जर्मनी अलग अलग है, पूर्वी जर्मनी यानी दो देश बना दिए जर्मनी के, बांट देंगे। और जर्मनी पर कई प्रकार के प्रतिबंध लग गए, भैया सेना तुम इतनी नहीं रखोगे, लाख से ज्यादा तुम्हारी सेना नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे पास इतना होनी है, यानी बहुत पैसा भी लगा दिया इन पर, बहुत ज्यादा एलिगेशन, इतना पैसा तुमको देना पड़ेगा, पूरा युद्ध का खर्चा तुमको देना पड़ेगा जो पैसा वैसा गया है। कुल मिलाकर के उसने अपने क्षेत्र का 15% अपनी जनसंख्या का 10वां हिस्सा गंवा दिया। विजेताओं द्वारा किए गए नुकसान की वसूली के लिए जर्मनी पर भारी क्षतिपूर्ति लगा थे। भैया जो नुकसान हुआ, जो लोग जीते उनका जो नुकसान हुआ, उसका पूरा पैसे की भरपाई किससे की गई, जर्मनी से की गई। वह सैन्य रूप से अपंग, जर्मनी को पूरी तरह से सेना के रूप में जर्मनी बिल्कुल छोटा कर दिया, यानी सेना उसकी कम कर दी, चीजें कम कर दी, उस पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, बहुत सारा पैसा उससे मांग लिया, उसके सेना की ताकत कम हो गई। उसे नौसेना के विमान, पनडुब्बी, वायुसेना की अनुमति नहीं, भैया तुम वायुसेना नहीं रख सकते हो, जर्मनी रख सकता, जर्मनी पनडुब्बी नहीं रख सकता, जर्मनी वायुसेना नहीं रख सकता, जर्मनी 1,00,000 से ज्यादा सेना नहीं रख सकता। इस प्रकार के जो प्रतिबंध हैं वो जर्मनी पर लगाए गए। क्यों लगाए गए? ताकि आने वाले समय में जर्मनी कभी उठ ना पाए, ये सारे प्रतिबंध लगाए गए। वर्साय की संधि का उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना और अस्थाई शांति सुनिश्चित करना था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध शांति संधि पर हस्ताक्षर के करने के केवल 20 साल 2 महीने और 4 दिन बाद शुरू हुआ। राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप से रोकने में, जो राष्ट्र संघ था यानी एक प्रकार से लीग ऑफ नेशन इसको बोला जाता है, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने से वह रोक नहीं पाया। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसका सबसे बहुत बड़ा कारण यही है कि भैया कि जर्मनी के साथ जिस प्रकार से बेइज्जती की गई है, जिस प्रकार की उसकी इंसल्ट हुई है और पूरी तरह से सेना को कम कर देना, ये बदला है आपसे। एक आप देखोगे हिटलर का जो आगमन है, अगर आप पूरे यूरोप में देखेंगे, यूरोप में हिटलर कैसे नेता बनकर लीडर बनकर के आता है, यही बनकर के आता है। इसे हिटलर की अगर आप भाषणों को सुनोगे तो हिटलर जर्मनी के लोगों को आकर आप बोलता है कि भैया मैं हम तुम्हारे अपमान का बदला लेंगे, क्या है, हम इस अपमान का बदला लेंगे। तभी तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, एक चीज आप सबको पता होगा, हिटलर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सैनिक के रूप में लड़ रहा है, क्या है, हिटलर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक सैनिक के रूप में लड़ता है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो किस रूप में आता है, आप सबको पता है, जर्मनी का चांसलर है, ठीक है। यानी हिटलर आगे चल करके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, ठीक है, और उसकी पार्टी आगे 1934 में इलेक्शन जीत करके आती है, चुनाव जीत करके आई, और वो भी राष्ट्रवाद के दम पर जीत कर आई, किसे, नेशनलिज्म के दम पर जीत कर क्या है, कौन, हिटलर जर्मनी में राष्ट्रवाद के दम पर जीत कर आया था। और राष्ट्रवाद क्या है कि भैया इस अपमान का हम लोग बदला लेंगे, किसका अपमान का, ये जो हमारे साथ हुआ जर्मनी के साथ, जो अपमानजनक संधि हुई है और जो हार का सामना करना पड़ा है, एक प्रकार से एक दुश्मनी है, किससे,
जर्मनी के फ्रांस के साथ है और उस कारण से सबकी एक दूसरे से यहाँ पर दुश्मनी हो गई है। और ये जो ट्रीटी हुई है, जो एक इसको शांति संधि बोला जाता है, वर्षाय की संधि जो बोला जाता है, ये जर्मनी के साथ बहुत ज्यादा अपमानजनक था। सेना को छोटा कर देना, पैसे बहुत ज्यादा उससे मांगे गए, जिससे उसे जर्मनी की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। ये सारे कारण है कि जर्मनी में हिटलर का आगमन, और हिटलर एक नेता चुन करके आता है, राष्ट्रवाद के नाम पर इलेक्शन जीत करके आता है, बाद में खुद को सर्वे सर्वा घोषित कर देगा, और हिटलर एक प्रकार से उसमें ये अब बदला है, बदले की भावना है ना, तभी तो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा। इस कारण से क्या होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर क्या भाई मेरे शुरू होता है। और इसका जो द्वितीय विश्व युद्ध, जिसको हम सेकंड वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, उसको हम लोग कल वाली क्लास में जरूर करेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये आपके एग्जाम में आ सकता है, और इसमें वर्षाय की संधि पूछी जा सकती है, और वर्षाय की जो पूरी संधि है ये पूरी तरीके से किससे रिलेटेड है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, शांति संधि है। यहाँ पर जीते हुए मित्र राष्ट्र हारे हुए धुरी राष्ट्रों से, यानी केंद्रीय शक्तियों से, यह शांति संधि करें कि आने वाले समय में कोई युद्ध लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन फिर भी क्या होता है, यहाँ पर युद्ध और लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि ये जो संधि है ये अपमान करने के लिए, इंसल्ट और बेइज्जती हुई है, और इसी इंसल्ट और बेइज्जती का बदला सेकंड वर्ल्ड वॉर में लिया जाएगा। और सेकंड वर्ल्ड वॉर वाली जो क्लास रहेगी हम लोग उसको कल जरूर करेंगे।